हफ्ते से राइस मिलर धान घोटाले को लेकर चर्चा में रहे हरियाणा के राइस मिलर में रोष देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय पर पहुंचकर राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सरकार को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि सरकार उनके बार बार नोटिफिकेशन करवा रही है और उनको चोर घोषित करने पर आमदा है, जिससे आहत राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा सरकार से जो कमिटमेंट की गई थी उस पर पूरा एवं खरा ना उतरने पर नाता तोड़ने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि राइस मिलर द्वारा जो धान खरीदा गया था वह उनके पास सुरक्षित रखा है, परंतु सरकार राइस मिलर को चोर साबित करने पर आमदा है, जिसके चलते राइस मिलर द्वारा पूरे प्रदेश में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से इस मामले में जांच करने की बात की जा रही है। आज यहां लघु सचिवालय में बड़ी संख्या में राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया और SDM नरेंद्र पाल मलिक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन जिंदाबाद, हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन जिंदाबाद, करनाल राइस मिल एसोसिएशन जिंदाबाद। और जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आम कोई ज्ञापन देने नहीं पहुंचे जी, मामला ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा हमारे को जो कस्टम मिलिंग के लिए दान दिया गया था CMR बेस पे, तो सभी राइस मिलर आम जो है इस बार बार की पीवी से, बार बार की प्रताड़ना से बहुत ज्यादा परेशान है। रात को दो दो बजे, डेढ़ डेढ़ बजे, एक एक बजे पुलिस आती है सेलरों में, कोई वहां पे चूरा पोस्त या अफीम का काम तो कोई गैर कानूनी काम तो राइस मिलर करता नहीं। सम्मानित सब व्यापारी हैं, सम्मानित सारे जो है ना टैक्स पेयर हैं, और जो है ना हमारे को एक किस्म से टोटल मीडिया ने, सारे समाज ने सरकार के द्वारा चोर बना दिया। ये तो चोर है, फैसला हमने ये लिया है, जो सरकार ने हमारे को दान दिया था वो टोटल दान हमारे पास सुरक्षित है और एक एक दाना हम सरकार को वापस लौटा देंगे। उस दान का हम कस्टम मिलिंग नहीं करेंगे, उसकी यूनिट नहीं करेंगे। तो आज क्या ज्ञापन दिया आपने? ज्ञापन दिया हमने अपने निक्के DC साहब को दे दिया कि हमारा दान जो आपने किसान का हमने खरीदा था, सरकार ने लौट किया था, वो हमारे पास सुरक्षित है, आप अपना वो माल उठा लो, हम उसकी मिलिंग नहीं करेंगे। आज कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं? टोटल ऑल हरियाणा में DC डिस्ट्रिक्ट कनाल के कनाल पे दे रहे हैं, सारे जिलों में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दे रहे हैं। आपका नाम? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। क्या बात है जी, दो बारी फीजी पर वैसी वेरिफिकेशन हमारी हो चुकी है और बार बार सारी मीडिया, सारे अखबार चोर हैं, डाका डाल दिया, क्या लूट गए, क्या खा गए, क्या लूट लिया हमने, क्या खा लिया हमने। तो जो सरकार से धान हमने ले रखा है वो हमारे पास बिल्कुल एक एक दाना सुरक्षित रखा है। तो सरकार से संबंध क्यों तोड़ा आज आपने? बेटा जी, हम संबंध नहीं तोड़ा, हमने जो एग्रीमेंट सरकार से किया था उस एग्रीमेंट से सरकार भाग गई है। जो नियम शर्तें तय लागू सरकार ने की हुई है सभी शर्तों से हरियाणा गवर्नमेंट भाग रही है। तो हरियाणा राइस मिलर के प्रधान विनोद गोयल है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जिले भर के राइस मिलर इकट्ठा हुआ है और क्यों ज्ञापन दिया गया, सरकार से क्यों संबंध तोड़ा गया? देखिए, अभी आपने देखा होगा 22 पिछले नवंबर से 27 तक सरकार ने PV कराई थी और उसमें इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर सभी जगह माल सुरक्षित सरकार का पाया गया था। उसके बाद DC साहब ने रैंडम उसमें करवाई है, तहसीलदार को भेजकर, नायब तहसीलदार को भेजकर उसके पीछे 2 PV हो चुकी हैं। अब सरकार को डिलीवरी देने में, हमें सरकार को जो डिलीवरी देने में है उसमें तंगी आई हुई है, हम डिलीवरी दें या रोज PV कराएं? तो क्या फैसला लिया है हरियाणा भर के राइस मिलर से? माल वापस दे देंगे, जो सरकार से हमने दान लिया है एक एक दाना वापस दे देंगे। क्या फैसला लिया गया हरियाणा भर के राइस मिलर से आज? हरियाणा भर के राइस मिलर ने अभी ये फैसला लिया है कि हम अब कल 18 तारीख से CMR की डिलीवरी बंद करने जा रहे हैं, हरियाणा में कहीं भी डिलीवरी नहीं होगी। क्यों लिया ऐसा फैसला? ऐसा फैसला इसलिए सरकार प्रताड़ित कर रही है हमें, सरकार हमें चोर मानती है, हमें डाकू मानती है, मीडिया द्वारा भी हमें कोसा जा रहा है। तो हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी जो काम करना चाहते हैं वो मान सम्मान के साथ करना चाहते हैं।
अगर सरकार हमें मान सम्मान से अपनी पैटी देगी और वो काम करने के लिए कहेगी, हम दावा करते हैं 31 अप्रैल का जो समय है उसके अंदर उसका 99.9% चावल वापस करेंगे। तो जो धान लिया है उसको क्या वापस करेंगे अगर नहीं? बोलने दो जी, आप आधिकारिक आदमी को बोलने दो, ऐसे ना बोलो बीच में। सरकार का जो धान हमारे पास है वो पूरा सुरक्षित है और उसमें कहीं भी कोई कमी होगी हरियाणा राइस मिल एसोसिएशन उसकी जिम्मेवारी लेगा। तो अधिकारियों पर आरोप लगे हैं कि अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। अगर सरकार ये कहती है, मीडिया ये कहता है कि पीवी 5 लाख रुपए देकर की गई 10 लाख रुपए, तो सरकार के पास जो ईमानदार अफसर हैं सरकार के पास, वो क्यों नहीं भेजे उन्होंने? सरकार ने उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया जो जिन्होंने पैसा लिया? यानी पैसे दिए राइस मिल ने? सरासर गलत है, झूठे आरोप, ये झूठे आरोप है हमारे ऊपर। हमारे को बदनाम करने की साजिश है कि ताकि हम काम करने से वंचित रहे। सारा जो जितना भी सरकार की फोर्स है, जितना भी सरकार का अमला है, आज राइस मिलर के पीछे लगा हुआ है। अरे खनन उद्योग में इतना हजारों लाखों करोड़ों का काम चल रहा है, कोई देख रहा है उसको? बताओ कोई कहीं कुछ हो रहा है उसमें? कोई आ रहा आगे? लाखों आदमियों को रोजगार दे रहा है। हर राइस मिलर में हमारे 200 से 250 आदमी काम करते हैं। आज 1 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे कल से। सरकार रोजगार अगर नहीं दे पाती तो रोजगार ले तो मत। हम कल से कोई मीलिंग नहीं करेंगे। जो सरकार का धान हमारे पास सुरक्षित है, हमने सरकार को ऐलान कर दिया है उसको जल्दी नहीं उसको जब तो, उसको जब मर्जी। ये बात मंडी से नहीं शुरू होती सारी की सारा सिस्टम, जब मंडी में पता है कि सरकार धान नहीं उठा सकती, स्टोरेज का कोई हमें क्या पता? हम काम क्या कर रहे हैं? हमें हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? बार बार वेरिफिकेशन कराने के हक में नहीं है। और फिर सुनिए, जिस भी एजेंसी का माल है, फूड सप्लाई का है, ज्वाइंट कस्टडी है, वो उसको बीच में आके देखे, वो फोर्टनाइटली देखते हैं। अभी एक टीवी बाकी अगले महीने दोबारा कर ले अपना स्टॉक संभाल। तो आज क्या कहना चाहेंगे? आज सभी राइस सेलर जो है यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्या फैसला लिया गया? हमने फैसला लिया है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।